वेलकम बैक टू स्टूडेंट, स्वागत है आपका। स्टूडेंट ऑफ बीटेक थर्ड सेम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना जो सेकंड यूनिट चला था उसके अंदर हमने कहा था कि डिमांड से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक को समझना है। आज के लेक्चर में हम डिमांड की दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो क्या है डिमांड फंक्शन और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड फंक्शन है क्या। देखो जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो आप सोच रहे होंगे सर कोई मैथमेटिकल है क्या, इक्वेशन है क्या, फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे डिमांड फंक्शन के बारे में बोलूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि डिमांड फंक्शन एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताता है। जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़े थे, आपको याद है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे बताता है। तो डिमांड फंक्शन जो है ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बोलो। आपने इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था नहीं पढ़ा था बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। आपने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ। आपने प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था नहीं पढ़ा था। टेस्ट प्रेफरेंस पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों को यदि आप मिलाएं तो आप ये देखें कि डिमांड जो है जिससे इफेक्ट होती है वो यही चीज़ें हैं। तो डिमांड जो है आपका, डिमांड फंक्शन क्या है, इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिटर्मिनेंट जो है डिमांड के वो क्या है आपके, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो बेटा इतना समझ में आया, बात को आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हमने पहले पढ़े थे, अब हम सेकंड पार्ट में आएंगे, वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी का मीन्स होता है फैलाव, है ना। फैलाव क्या है, इलास्टिसिटी, जैसे हम रबड़ की बात करते हैं है ना, इलास्टिक बोलते हैं ना, इलास्टिक प्लास्टिक है ना, तो उसको फैलाना, ठीक है। हम ये देखते हैं कि डिमांड के चेंज होने पर प्राइस में कितना चेंज होएगा। आपने कभी कभी देखा हो तो शेयर मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ते हैं डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होते हैं डिमांड कम होती है। आपने देखा नहीं देखा शेयर मार्केट में बताओ, तो वहाँ पे भी देखो डिमांड और प्राइस में इलास्टिसिटी है कि नहीं है, कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कितना चेंज होगी, या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, प्राइस घटता है तो डिमांड कितनी घटेगी। इन सब चीज़ों को हम जब कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले की फॉर्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक रिलेशनशिप है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि टर्म्स इलास्टिसिटी बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स है ना, जिसका मीन्स क्या होता है, इट शो द रिएक्शन ऑफ द वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। जैसे हम देखें वन वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा, ठीक है ना, डिमांड कम हो गई, ठीक है ना, प्राइस घटा डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। इनके बढ़ने या घटने का जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं, ये इलास्टिसिटी हुई नहीं हुई बोलो, ये इलास्टिसिटी है, ये क्या है, इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी क्या है, जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी की बात करते हैं, हम डिमांड में चेंज की बात करते हैं। डिमांड में चेंज किसके कारण होता है, आपने पहले भी पढ़ा था कि डिमांड में चेंज किसके कारण होता है, बोलो बच्चों, वेरी गुड, किसके कारण, प्राइस के चेंज के कारण डिमांड में चेंज होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यदि हम डेफिनेशंस की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है, टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाता है, बोलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्राइस 10% बढ़े, डिमांड 5% कम हो रही है, कोई प्रोडक्ट इस तरीके का, डिमांड 5% कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड कम हो रही है 5%, 10-5, डिमांड में 5% चेंज हो रहा है, प्राइस में 10% चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा सभी प्रोडक्ट में थोड़ी होगा, किसी प्रोडक्ट में ये भी हो सकता है कि डिमांड बढ़े, ठीक है ना, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड बढ़े ऐसा भी हो सकता है, या फिर प्राइस के चेंज होने पर डिमांड नहीं बढ़े, स्टेबल रहे, तो हम उसी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इलास्टिसिटी जो होती है उसके टाइप्स आते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था कि इक्वल चेंज नहीं होता, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो पी आ रहा है प्राइस के लिए आ रहा है, डी जो आ रहा है क्वांटिटी के लिए आ रहा है, और डेल्टा क्यू जो आ रहा है, यहाँ पे डी नहीं है बेटा, क्यू है, सॉरी, क्यू जो है आपका क्वांटिटी डिमांडेड के लिए आ रहा है, यहाँ डेल्टा क्यू जो आ रहा है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए आ रहा है, और डेल्टा पी जो आ रहा है वो चेंज इन प्राइस के लिए आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हम ये मान रहे हैं कि बिगनिंग स्टार्टिंग में क्वांटिटी प्राइस 0-0 थे, P0 Q0,
हमने एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद हमने देखा कि प्राइस चेंज हो गए हैं, P1 हो गया है, क्वांटिटी चेंज हो गई है, Q1 हो गई। तो यहाँ पे हम प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंज जो हम देख रहे हैं, तो वो चेंज यदि हमें मालूम करना है तो हम ऐसे तो मालूम करेंगे कि जैसे हम चेंज इन क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, देखो आप मैंने हाईलाइट किया है कि चेंज इन क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, तो Q1 जो है एट प्रेजेंट है, Q0 पहले क्या थी, ऐसे मैं आपको प्राइस के अंदर चेंज बताना चाह रहा हूँ। तो प्राइस 1 जो आज है, तो प्राइस 0 पहले क्या था, यहाँ पे हम ये देखें तो Q1 न्यू क्वांटिटी हुई, ठीक है ना, Q0 जो है आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी हुई, ये Q0 है बेटा ना, P1 जो है न्यू प्राइस रहा, P0 है आपका जो ओरिजिनल प्राइस रहा, जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था वो रहा। यहाँ पे हम ये देखें तो हमारे पास जो प्रोफेसर स्टोनियर थे उन्होंने बताया था, प्रोफेसर स्टोनियर एंड होगे ने बताया था कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम यूज़ करते हैं, वो हम इस चेंज के बारे में बताते हैं कि डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज का जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है। तो सबसे पहले हम देखें, जब काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना था, वो भूल गया कि इलास्टिसिटी जो रहती है वो क्या रहती है। जैसा कि किसी प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस में 10% चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी में 10% चेंज से कम हो, 5% चेंज हो, मतलब प्राइस बढ़े 10%, क्वांटिटी 10% कम हो, या 5% कम हो, या फिर 20% कम हो, ये ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोफेसर जो मार्शल थे उन्होंने बताया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मार्केट के अंदर वो ग्रेट भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ड्यू टू चेंज इन ए प्राइस जो क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं। अब हम इसकी कैटेगरी देखेंगे, इसकी हम स्टेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट का मतलब है कम्प्लीटली। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हम देखें, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद हो OX पर हम क्या लेते थे, याद हो आपको OX पे हमने यहाँ पे लिया है डिमांड, क्योंकि डिमांड ही हम पढ़ रहे हैं, इसको हम एक्स नंबर देंगे, हमारा टॉपिक ही डिमांड है। प्राइस सेकेंडरी है तो प्राइस को हमने क्या नंबर दिया, वाई नंबर दिया। तो ओ एक्स पर तो हमने लिया क्वांटिटी डिमांड, डिमांड बोल दो, है ना, और ओ वाई पे हमने क्या लिया, प्राइस लिया। बात समझ आया बोलो बच्चों, अब समझिएगा मेरी बात। हमने कहा कि प्राइस फिक्स है, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम डिमांड में चेंज कर रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड चेंज हो रही है। कुछ आपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि जिनकी प्राइस फिक्स रहती है लेकिन डिमांड उनकी कम ज़्यादा होती रहती है। प्राइस फिक्स है, जब मैं छोटा था मुझे याद है तो बिजली का जो बल्ब था 10 रुपये का आता था, आज भी वो 10 रुपये का जो आता है, सिंपल वाला बल्ब है ना जो 10 रुपये का आता है, 100 वाट का जिसको हम बोलते हैं। तो प्राइस वही है, क्वांटिटी जो है चेंज होती जा रही है, नहीं होती जा रही है बोलो। तो ऐसा आपको एग्जांपल मैंने बताया, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब वो है कि डिमांड में चेंजेस हैं, प्राइसेस में चेंजेस नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऊपर क्या आता है, अंश में क्या आता है, अबो में क्या आता है, डिमांड, और अकाउंट में क्या आता है, नीचे क्या आता है, प्राइस। तो यहाँ डिमांड में चेंज है, अंश में, अपर में चेंज है आपका, प्राइस में, बिलो में चेंज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफिनाइट कहलाएगा आपका। यहाँ पे इनफिनाइट का सिंबल भी है, देखो आप, समझ आया बोलो। तो इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि ऐसे गुड्स जिनके प्राइस फिक्स हैं लेकिन डिमांड कम ज़्यादा हो रही है, वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट इलास्टिसिटी कहलाएंगे। फिर हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, अपोजिट भी होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी कि जिनके प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डिमांड उतनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना, जब हम छोटे थे, ठीक है ना, खाना खाते थे, खाने का जो सामान था, ठीक है ना, उसका प्राइस हमारे बड़े होने पर प्राइस चेंज हुआ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए मैं आज की बात करूं, इससे पहले प्राइस कम थे, आज प्राइस ज़्यादा हैं, आगे प्राइस बढ़ेंगे, पर मेरी जो डिमांड थी वो तो उतनी है ना, मेरे कंजम्पशन के लिए उतनी है कि नहीं है, यस और नो, एक सिंगल पर्सन के लिए उतनी है कि नहीं, इंडिविजुअल के लिए उतनी है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है आपका, अपर में, अंश में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन हम करते थे प्राइस, बस प्राइस में चेंज होता है। जब आपको पता हो जो ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं हो रहा, अबो में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो जीरो कहलाएगा नहीं कहलाएगा, इलास्टिसिटी कहलाएगा नहीं कहलाएगा, जीरो। तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिसिटी, जब जीरो का मतलब है इनइलास्टिसिटी, इनफिनाइट अनंत का मतलब है आपका इलास्टिसिटी, फुल इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी। फिर आता है रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब ये हुआ कि 10% प्राइस बढ़े, 10% डिमांड चेंज हुई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना, हम ये देखते थे कि पहले प्राइस था P1, अब डिमांड है Q1, बात समझ रहे हैं, लेकिन जो प्राइस था
प्राइस P2 हो गया, प्राइस गिर गया, तो डिमांड Q1 थोड़ी है, डिमांड Q2 हुई नहीं हुई बताओ, डिमांड Q2 हुई नहीं हुई बताओ। तो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस है, जैसे एक चीज़ देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब ये जो चेंजेस है यहाँ पे देखो, P1 और P2 में जो डिफरेंस आ रहा है वो वाला बॉक्स, और Q1 और Q2 में डिफरेंस आ रहा है, इस बॉक्स में अंतर है कि नहीं है? क्यू ज़्यादा है, क्यू वाला बॉक्स ज़्यादा है, डिमांड वाला बॉक्स ज़्यादा है ना, बड़ा है ना वाला बॉक्स, और P वाला छोटा है, तो ये आपका मोर देन वन है। देखो यहाँ पे हमने ई मोर देन वन लिखा है, नहीं लिखा है, देखो मोर देन वन, यहाँ पे देखो ये जो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड में बोलता हूँ वो वाला बॉक्स ज़्यादा है, और P1 और P2 वाला बॉक्स छोटा है, तो अपर वाला पार्ट ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, और जो आपका बिलो वाला पार्ट है वो कम है, तो मोर देन वन कहलाएगा। फिर हम बात करेंगे, एक ऐसी स्थिति भी होगी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस था P1, क्वांटिटी थी Q1, लेकिन प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही क्वांटिटी होती है तो O1 कहलाता, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर कम चेंज हुआ है। आप देखें ये वाला बॉक्स, यदि आप देखें यहाँ पे जो बॉक्स है, और इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ आपका इस वाले बॉक्स के साथ, तो यहाँ पे देखो ये आपको कम लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो अपर वाला पार्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड वो कम है, प्राइस वाला जो है वो ज़्यादा है, तो ये लेस देन वन है। और लास्ट जो आता है अपना लेस देन वन, फिर आता है यूनिटरी इक्वल, जो यहाँ पे चेंज है वही नीचे चेंज होगा, जो यहाँ चेंज है वही चेंज आपका यहाँ आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, P1 और Q1, जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो ये जो कम प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड जितनी बढ़ रही है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों बॉक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो हमने यूनिटरी पढ़ा, लेस देन यूनिटरी पढ़ा, मोर देन यूनिटरी पढ़ा, हमने जीरो भी पढ़ा और हमने इन्फिनाइट भी पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने जो इलास्टिसिटी डिमांड डिमांड फंक्शंस को हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, वहाँ पर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक्स।